नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में 2024 से रेलवे एन की तरफ से दस हजार पदों की बम्पर भर्ती है ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है पूरी जानकारी आपको देंगे कि अगस्त के महीने में किस तरीके से आपको इसके लिए आवेदन करना है क्योंकि इसका देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाले हैं कुल दस पदों की बम्पर भर्ती है वेतन एक महीने में पचास स्टार्टिंग वेतन मिलेगा आपको बता दें कि योग्यता यहाँ पे बारहवीं पास और जो लोग ग्रेजुएट पास है यानी आपने अगर बी किया है बी किया बी किया तो आवेदन कर पाएंगे यहां पे देख सकते हैं पूरा वैकेंसी का डिटेल ओपन होकर आ चुका है 2024 से रेलवे दो की तरफ से रेलवे बंपर भर्ती आ गई है सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं लोगों का मेरे पास यहां पे कमेंट आ रहा था कि सर किस तरीके से इसके लिए आवेदन करना है। तो डिटेल में वीडियो लेके आ गए हैं सबसे पहले आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी देंगे उसके बाद आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाएंगे किस तरीके से आवेदन करना उसकी भी जानकारी यहां पे देने वाले हैं तो पूरी जानकारी यहाँ पे ले लीजिए क्योंकि रेलवे में एन टीपीसी की जो नौकरी निकल कर आई है इसमें आपको इस बार बहुत सारा बेनिफिट यानी सुविधाएं दी जा रही

कौन से विभाग में नौकरी चाहिए वो भी नीचे कमेंट करके लिख दीजिएगा ताकि उस विभाग की जैसे ही नौकरी निकल कर आती उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी सब जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चलिए आपको बताते हैं कि दो की जो यहाँ पे रेलवे एन की तरफ से बंपर भर्ती निकल कर आ चुकी है दस पदों की आपको इसके लिए आवेदन कैसे करना तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरा वैकेंसी का डिटेल ओपन आ चुका है दो से रेलवे एन की तरफ से बंपर भर्ती आ गई भारत के सभी राज्यों के लोग आवेदन कर सकते हैं महिला और पुरुष देखिए दोनों लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मौका निकल कर आ गया है कैसे आवेदन करना इसमें आपको वेतन कितना मिलेगा इसकी आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली फॉर्म भरने से पहले इच्छुक उम्मीदवार इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा रेलवे एन में अगर आप भी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका निकल कर आ गया है यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी भर्ती दोस्तों बड़ा मौका है भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती आपके राज्य आपकी पोस्टिंग हो जाएगी मित्रों आपको बता दे कि ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्ती है आपके राज्य में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत भी नहीं होगा तो पूरी जानकारी देंगे किस तरीके से आपको आवेदन करना तो यहां पर देख सकते हैं पूरा वैकेंसी का डिटेल ओपन होकर आ चुका है रेलवे एन टी रिक्रूटमेंट 2024 हज़ार अप्लाई ऑनलाइन फॉर पोस्ट 2024 सबसे पहले यहां पे देखिए आपका योग्यता बताया गया कैंडिडेट शुड हैव ट्वेल्थ पास डिग्री पास कैन अप्लाई यानी कम से कम अगर आपका कक्षा बारहवीं पास है ट्वेल्थ पास है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर दस पदों की बंपर भर्ती है जी हाँ दोस्तों दस पदों की बंपर वैकेंसी निकल कर आ गई है जिसके लिए आप फॉर्म जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा इसके साथ यहाँ पर पढ़ सकते हैं ये

चीफ कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर की सत्रह वैकेंसी है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की तेरह वैकेंसी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की टाइपिस्ट की सात वैकेंसी है यानी यहाँ पर टोटल अगर आप करेंगे तो दस हज़ार से ज़्यादा पदों की बंपर भर्ती निकल कर आ चुकी है जिसमें सुनहरा मौका है रेलवे में ऐसा मौका बार बार निकल के नहीं आता तो आवेदन आप जरूर कर दीजिएगा अगस्त के महीने में इसका फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाएगा यहाँ पे पढ़ सकते हैं अप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहने वाला हु कैन अप्लाई ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट चाहे मेल हो गए चाहे फीमेल हो गए दोनों लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं लड़के और लड़कियों के लिए दोनों लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है स्टार्टिंग डेट यहाँ पर पढ़ सकते हैं अगस्त दो यानी दोस्तों इसी महीने से इसका फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाएगा और लास्ट डेट यहाँ पर पढ़ सकते हैं सेप्टेम्बर दो तक इसका लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है और जो आपकी देखिए एग्जाम और मेरिट होने वाला देखिए नवंबर दो चौबीस में होगा सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहने वाला किसी भी राज्य में आपकी पोस्टिंग हो सकती है आपके राज्य में ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं और सैलरी भी अच्छा खासा मिलने वाला है दोस्तों यहां पर पढ़ सकते हैं सैलरी सौ स्टार्टिंग पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा इसके साथ देखिए इक्कीस हजार सात सौ रुपया पच्चीस हजार पांच सौ रुपया उनतीस हजार नौ सौ रुपया पैंतीस हजार चार सौ रुपया अलग अलग पोस्ट वाइज आपको सैलरी भी यहाँ पे दिया

साल से लेकर तैतीस साल का ओबीसी कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है, है. अठारह साल से लेकर पैंतीस साल का एस सी कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है अठारह साल से लेकर पैंतालीस साल का पीडब्बल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है इसके साथ यहाँ पे एन ग्रेजुएट लेवल पोस्ट जो लोग ग्रेजुएशन की उनके लिए जो वैकेंसी है उनके लिए अठारह साल से लेकर तैतीस साल तक का एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए अठारह साल से लेकर छत्तीस साल तक का एज लिमिट है ओबीसी कैंडिडेट के लिए अठारह साल से लेकर अड़तीस साल तक का एज लिमिट है यससी एस टी कैंडिडेट के लिए अट्ठारह साल से लेकर तिरालीस साल तक का एज लिमिट है पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए इसके साथ यहां पे पर एज इज एप्लीकेबल छूट मिलेगा देना पड़ेगा क्योंकि रेलवे एनटीपीसी होगा इसके साथ टिकट कलेक्टर होगा इन सब पोस्ट में आपको एग्जाम देना पड़ता है इस बात को ध्यान में रखिएगा इसके साथ दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फर्स्ट हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी टू हो गया दोस्तों दो आपको देखिए यहाँ पे मोड के माध्यम से आपको एग्जाम देना पड़ेगा दो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होने वाला है उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट के माध्यम से आपको नौकरी यहां पे लेना पड़ेगा इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका देखिए अपलीकेशन फीस बता दिया गया रेलवे एन टी पी सी रिक्रूटमेंट दो हज़ार चौबीस का जो है इसमें अप्लीकेशन फ़ीस कितना लगने वाला है तो जनरल ओ बी सी और मेल कैंडिडेट को चार सौ रुपया देना है जिसमें कि पाँच सौ रुपया देना है जिसमें कि चार सौ रुपये आपका फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगा सलेक्शन ना होने पर जी हाँ दोस्तों इसके साथ यस सी एस टी पी डब्ल्यू डी महिलाओं कैंडिडेट को दो सौ पचास रुपये फॉर्म भरने का फ़ीस देना है जिसमें से कि दो सौ पचास रुपये आपका फीस रिफंड हो जाएगा अगर आपका सलेक्शन नहीं होता है और पेमेंट करने का मेथड यहाँ पर ऑनलाइन रहने वाला है आप यहाँ पर इस चीज़ को देख भी सकते थे थे। हैं यहाँ पे देखिए जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्ती है भारत के किसी भी राज्य से वीडियो देखना इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नीचे आप यहां पे, तो यहां पे आएंगे तो यहां पे आप तो देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के साथ पे आपको इस वेबसाइट भी चले आना है पे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं सिंपली नीचे आएंगे तो डायरेक्टली ऑफिसियल एप्स का नोटिफिकेशन ओपन कर सकते हैं जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन ओपन होकर आ गया है यहां पे आप इस चीज को पढ़ भी सकते हैं भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे